शेर आ जाता है। Hey guys, welcome back to my Rishikesh part 2. और हम आ गए नीचे रिसोर्ट में एंजॉय करने के लिए। पीछे डीजे लग रहा है, अब हम इसे अपने फोन से कनेक्ट करके चला सकते हैं। और हाँ, आज मैं देने वाली हूँ अपने रूम का टूर, क्योंकि हम लोग आते इतने बिजी हो गए थे, किसी को चेंज करना था, किसी को फ्रेश होना था, तो हम उसमें बिजी थे। उसके बाद अब मैं रूम टूर भी दूंगी कि हमारा रूम कैसा है। और भी चलते हैं, मस्त एंजॉय करते हैं डीजे पर। देखिए, ये है शादी के साइड इफेक्ट्स। शादी करने के बाद सभी पतियों का यही हाल होता है, उनकी बीवियाँ उनको इस तरह से ही नचाती हैं कि वो नाचते नाचते पागल हो जाते हैं। ये देखिए, अभी इनकी पत्नी आएंगी और इनको नचाने के लिए लेकर जाएंगी। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जो देखने दिखाने लायक था। और इनकी वाइफ ये है गुंजन सैनी, जो एकदम डक जैसी लग रही है, डक वाले कपड़े पहनकर ये अपने पति को नचाने के लिए आई थी। लेकिन पति ने कुछ ऐसा किया कि इनको ही नचा दिया, और उसके बाद गुंजन ने अपना डांस का प्रदर्शन दिखाया। देखिए इनका एक डांस स्टेप, वाह, एकदम वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी दीदी। चलिए, जिसका इंतज़ार था सभी को कि रूम टूर दे देती हूँ, तो ये थे रूम जहाँ पे दो डबल बेड्स थे और साथ में था कैटल पानी के लिए। यहाँ पे एक ड्रॉअर थी, इस रूम से पता नहीं कहाँ चली गई। यहाँ चेयर्स थी जो कि हम बाहर ले गए हैं। ये बाथरूम है जो कि प्रॉपर वुडन है, सब कुछ यहाँ पर। देन इसकी बालकनी है। ये बालकनी के जब हम पीछे जाएंगे ना, तो पीछे कुछ नहीं है, पहाड़ है, बहुत ऊंचा पहाड़ है। ये हम पहाड़ों के बिल्कुल नीचे आके रह रहे हैं। तो यहाँ से जब हम अपने रिजॉर्ट में आएंगे, तो ये जो सामने वाला एरिया है ना, ये पूरे पहाड़ है जो काला दिख रहा है। और यहाँ पर गंगा नदी है, और यहाँ पर जंपिंग वगैरह जो सेक्शंस हैं वो होते हैं। देन उसके बाद ये हमारा पूरा रिजॉर्ट का एरिया है, सामने है वो कैफ़े टाइप एरिया, आप इंजॉय कर सकते हो। और ये कुछ ऐसा है हमारा रूम है जो मैशी हो चुका है। अभी जा रहे हैं हम लोग स्विमिंग पूल में नहाने के लिए। मैं नहीं नहाने वाली हूँ, क्योंकि आज हरिद्वार में ऑलरेडी इतना ज़्यादा नहा लिया है कि मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है पूल में जाने का। बट ये लोग जा रहे हैं सब लोग, तो पीछे पीछे जा रहे हैं। सो भाई साहब, ये क्या पूल का कोपचे में ले जाके है? हाय, कैसा रास्ता है? पार्टिंग कर रहे हैं हम। हेलो फ्रेंड्स, आपको ले चलते पूल पार्टी की कोपचे में। चलो भैया, ये कुछ ज्यादा अंधेरे में नहीं है? ओ माय गॉड, इसे ट्रैकिंग कहते हैं, अंधेरे वाली ट्रैकिंग। आराम से आराम से आ जाओ। जीजू लाइट नहीं जलाए, शेर आ जाता है वो बगल वाले, उसमें कैंपस में शेर है। शेर का नाम है मोती। मोती, फाइनली ये है हमारा पूल एरिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेहनत और मशक्कत के बाद This is, काट लग गया पैर में? इसमें यहाँ पे चुप है वो बार बार। निकली पलटी है, पलट गया। ये रहा ना, ये रहा, ये रहा। छोड़ के तू भी पहुँच गई, दे दे तब भी तराप थी ना। ये हमारी घर की हीरोइन अभी जंप करेंगी इसमें पूल में। और हीरो अभी कहाँ है? हीरो, हीरो कहाँ है? हीरो जीजू कहाँ है? ओ हीरो, अब होगी हीरो की एंट्री। ये हीरो हीरोइन के पास जाता हुआ, हीरो डुबकी लेता सिर्फ हीरोइन के साथ। ये चीटे मत मारो। 1 2 3 अदिम्बी सानी सानी सानी। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ डालना जीजू को, पानी डालना, डालना। अभी हम खाएंगे यहाँ पर अपना मैगी। ये लोग अभी भी पूल में नहा रहे हैं, देखो पता नहीं कितनी देर बाद ये लोग निकल के आएंगे। मैं काफी थक गई हूँ, लेकिन सोने का मन नहीं है। दूर दूर तक टूरिस्ट, और इतना अमेजिंग प्लेस है, मतलब लाइफ में एक बार ऋषिकेश जरूर प्लान करना, बहुत अच्छी जगह है। थोड़ी सी रिस्की है, बट संभल कर आइए, एंजॉय कीजिए।
ये है हमारा डाइनिंग एरिया जो कि बिल्कुल पुराने जमाने वाला स्टाइल है, सब कुछ वुडन है, इको फ्रेंडली है। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है मुझे यहाँ की। और यहाँ कोई इवन पंखा वंखा कुछ भी नहीं है। और यहीं पर अभी हम खाना खाने वाले हैं और ये लोग देखो आ रहे हैं नहा नहा कर। और मैं यहाँ पता नहीं कब से ऐसी घूम रही हूँ और ये लोग अब आए हैं। अभी चलते अपने रूम में। ऐसे मैंने ये सारा एरिया आपको वैसे दिखा दिया था, ये वाला सेक्शन नहीं दिखाया था जो मैंने अभी दिखा दिया है आपको। कैसन बा सब लोग? ये लोग वहाँ गेम खेल रहे हैं तो मैं भी जा रही हूँ वहाँ गेम खेलने। अभी हो रहे रात के 11 और हम लोग निकल गए बैडमिंटन खेलने के लिए। यहाँ पर दो खिलाड़ी अपना हुनर दिखाते हुए, गुंजन सैनी अश्वनी सैनी, कोशिश करते हुए, बहुत अच्छी कोशिश पर गुंजन सैनी हार गई। बहुत अच्छी कोशिश पर फिर भी गुंजन सैनी हार गई। रीस्टार्ट। बहुत अच्छी कोशिश पर अश्वनी सैनी हार गए। और ये ऐसे ही गेम समाप्त होते हुए, बहुत ही गंदा और बहुत ही भयानक गेम था। वह क्या सीन है? मेरे साथ के पार्टनर्स इतने अच्छे थे कि ना तो मैं उनकी कॉक पर मार पा रही थी ना वो मेरी कॉक पर मार पा रहे थे, पता नहीं कौन सी डायरेक्शन में। इसको खेलते कैसे है? ऐसे मुझे पापा ने सिखा दिया। कैसे खेलते हैं? ऐसे डालना होता है ये अंदर। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ऐसे रखो इसको। हाँ। बहुत भारी है, सारी इतनी भारी है क्या? और क्या, ऊपर रखो थोड़ा, ऐसे थोड़ा ऊपर। मैं लूंगी ये वाली चेयर विंडो के सहारे। एक भी पंखा नहीं है, अब वो भी देसी जुगाड़ लगेगा, तूफान फैन। मज़ा आ गया आज तो खाना खाने में, बहुत मज़ा आएगा। और तो ये था आज का मेरा पूरा ब्लॉग। और अभी हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, खाना खाने के बाद बस सोने के लिए जा रहे हैं। तो ये था मेरा ऋषिकेश पार्ट 1। और नेक्स्ट यानी ऋषिकेश पार्ट 3 बोलेंगे उसको, क्योंकि वो सेकेंड डे का होगा। तो ऋषिकेश डे 2 में मिलेंगे हम कल। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।